हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इसिका वाईटी। दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी आलू परवल की सब्जी, वो भी बिना मसाले के। आलू परवल की सब्जी बनाने के लिए मैंने 3 मीडियम साइज के आलू को कट कर लिया है, 6 से 7 लहसुन की कलियां ले ली हैं, 2 हरी मिर्च, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 मीडियम साइज का प्याज और 200 ग्राम परवल को मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। और अब मैं प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और अदरक के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने पहले से अच्छे से वॉश कर लिया था और अब चलते हैं गैस की ओर। गैस पे कढ़ाई मैंने रख दिया है और इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। ऑयल गर्म हो चुका है और अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक को भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे अदरक और साथ में ऐड करेंगे हरी मिर्च बारीक कटी हुई और प्याज, और इन सारी चीज़ों को ब्राउन होने तक भून लेंगे। और दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और दोस्तों, मैं इसमें किसी भी प्रकार के कोई मसाले नहीं यूज कर रही हूँ। जिसको मसाले खाने की मनाही है वो लोग ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, इसका कलर चेंज हो चुका है और अब इसमें हम ऐड करेंगे कटे हुए परवल। तो ये देखिए गाइज, मैंने परवल को ऐड कर लिया है और अब ऐड कर देंगे कटे हुए आलू को और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए गाइज, मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और अब इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। और ध्यान रहे दोस्तों कि गैस का फ्लेम लो ही रखना है, इसमें मुझे वाटर बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। परवल हरी सब्जी है, नमक डालने के बाद हरी सब्जियाँ वाटर बहुत तेज़ी से डिस्चार्ज करने लगती हैं। और ये देखिए दोस्तों, इसमें हल्का हल्का सा वाटर निकलने लगा है और जो वाटर डिस्चार्ज होगा उसी से आलू के पीसेस अच्छे से पक जाएंगे। और दोस्तों, अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए ढक कर के पका लेंगे, बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे। तो अब इसे हम चेक कर लेते हैं। और ये देखिए गाइज, अभी सब्जी नहीं पकी है, बीच बीच में इसे चलाते रहिए जिससे कि नीचे से जलने ना पाए और गैस का फ्लेम लो ही रखना है। तो अब मैं इसे 5 से 6 मिनट के लिए ढक दूंगी। अब मैं चेक कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसका कलर चेंज होने लगा है और ये 3 से 4 मिनट में सब्जियाँ पक जाएंगी। और अब इसे ढक कर के पकाना नहीं है, इसे खुला ही 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही भूनेंगे। दोस्तों, ये सब्जी पकने में 14 से 15 मिनट में आराम से पक के तैयार हो जाती है और इस सब्जी को बनाना भी बहुत आसान है। ये देखिए, पीसेस कट रहे हैं और 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही और भूनते जाएंगे। और गाइज, यदि आप केवल आलू की सूखी सब्जी बनाना चाहते हैं, हरी सब्जी नहीं यूज करना चाहते हैं, तब भी आलू की सूखी सब्जी आराम से बन जाएगी। बस आप जिसमें बना रहे हैं, मतलब कि जैसे कि ऑयल यूज कर रहे हैं सरसों का, मूंगफली का या घी, उसकी मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा कर दीजिए और अच्छे से पीसेस पक जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों, यदि आप लोग मसाले वाली सब्जी खा खा के बोर हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, तो ये रेसिपी एक बार बिना मसाले वाली सब्जी ज़रूर ट्राई करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। गाइस, सब्जी अच्छे से पक चुकी है और अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। दोस्तों, मैं आपको पीसेस भी तोड़ के दिखा दे रही हूँ। ये देखिए, अच्छे से पीसेस मसल जा रहे हैं, इसका मतलब कि सब्जी बहुत अच्छे से पक चुकी है और अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। दोस्तों, यह सब्जी बनाने में बहुत ही आसान है और सेहत के लिए लाभदायक भी है और इसे कोई भी बनाकर एंजॉय कर सकता है, इसे छोटे बच्चे भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सब्जी को मैंने सर्व कर लिया है और अब इसे एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।